हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपने इसका का नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैटेगरीज ऑफ रिस्क। तो यहाँ पर थ्री टाइप की कैटेगरीज है रिस्क की। फर्स्ट इज़ इनहेरेंट रिस्क, सेकंड इज़ कंट्रोल रिस्क एंड थर्ड इज़ डिटेक्शन रिस्क। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या होता है कि किसी भी एंटिटी के अंदर अगर हम इंटरनल कंट्रोल को अज्यूम ना करें, मतलब हम ऐसा सोचें कि वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल नहीं है, तो रिस्क होने की क्या संभावना है, उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन जो रिसोर्स है और ऐसे रिसोर्स जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं, इन दोनों तरीके के जो रिसोर्स है इनकी मटीरियल थेफ्ट, डिस्ट्रक्शन, डिस्क्लोजर या अनऑथोराइज मोडिफिकेशन की रिस्क को बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। या अदर इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू में कमी आना, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है या फिर रिसोर्सेज है उनकी वैल्यू किसी भी तरीके से कम होती है, चाहे वो मॉडिफिकेशन के थ्रू हो चाहे किसी भी तरीके की इससे हो, उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। तो इस तरीके से जो ऑडिटर है वो देखता है कि अगर वहाँ पर उस एंटिटी में अगर इंटरनल कंट्रोल ना हो तो वहाँ पर रिस्क होने की क्या लाइकलीहुड है, क्या संभावना है, उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। तो ये जो इनहेरेंट रिस्क होती है वो ऑफसाइट जो हमारे रिसोर्स है वहाँ पर होने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर हम एटीएम को एज्यूम करें तो वहाँ से अगर हम अपने कंट्रोल हटा दें तो वहाँ से जो रिस्क होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो ऑफसाइट हमारी चीज़ें हैं उसके अंदर इनहेरेंट रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है कि हमने प्रॉपर कंट्रोल लगा दिए फिर भी हमारे जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो किसी भी रिस्क को प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करने में या करेक्ट करने के अंदर करेक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसको बोलते हैं अपने कंट्रोल रिस्क। मतलब कंट्रोल होने के बावजूद भी अगर कोई रिस्क होने की संभावना होती है तो उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क, जो इंडिविजुअली या फिर कॉम्बिनेशन विद द अदर एरर, या तो वो इंडिविजुअली मटीरियल होती है या फिर वो कॉम्बिनेशन विद द अदर एरर, दोनों दूसरे एरर्स के साथ मिलके और मटेरियल इफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं अपने कंट्रोल रिस्क। दिस असेसमेंट इंक्लूड्स एन असेसमेंट ऑफ वेदर अ क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल आर इफेक्टिव। हम इसमें यह असेस करते हैं कि जो क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो इतना इफेक्टिव है क्या कि वो प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके और करेक्ट कर सके एरर्स को और रिस्क को। अगला आता है डिटेक्शन रिस्क। जब ऑडिटर कंप्लायंस प्रोसीजर लगाता है ना, तब वो देखता है कि उसमें कंट्रोल रिस्क कितना है, क्योंकि वो कंप्लायंस प्रोसीजर में इंटरनल कंट्रोल से रिस्क का असेसमेंट करता है। लेकिन जब उसने कंप्लायंस प्रोसीजर लगा के नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड कर लिया, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के उसने सारी चेकिंग कर ली, फिर भी उससे कुछ छूट जाता है, तो उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। मतलब ना ढूंढ पाने की रिस्क, जो जैसे कि डिटेक्शन रिस्क इज़ अ रिस्क that the IT auditor substantive procedure will not detect, जो उसकी substantive procedure भी detect नहीं कर पाती है, जो error materially affect करती है या तो individually या combination with the others. For example, the detection risk associated with the identified breach of security in an application system is ordinary high. ये बोल रहा है कि अगर कोई application system में breach of security है तो उसको ढूंढ पाना auditor के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो audit कर रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कि जो उस पूरे पीरियड के लॉक्स है वो उसको ना मिले। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो डिजास्टर रिकवरी प्लान की सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा रहा है तो वहाँ पर जो डिटेक्शन रिस्क होगी वो लो होगी, क्योंकि केवल यही चेक करना है कि वो डिजास्टर रिकवरी प्लान बना है कि नहीं बना, तो इसमें कोई भी तरीके की उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर डिटेक्शन रिस्क भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IAS ऑडिट एंड ऑडिट एविडेंस। जो हमारा ऐसे 230 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वो बोलता है कि जो ऑडिटर है उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर जो उसने लगाई है प्लस जो उसने एविडेंस गैदर किए हैं, इसके अलावा जो कंक्लूजन ड्रॉन है, उन तीनों चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर को करना होता है। इसको ऑडिट वर्क पेपर या वर्किंग पेपर्स भी बोला जाता है। ऑडिटर का जो मेन पर्पस होता है जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स मेंटेन करने का, वो क्या होता है, उससे कौन कौन से पर्पस पूरे होते हैं। मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द करंट ऑडिट वर्क, करंट ऑडिट वर्क कंट्रोलिंग, जो हमारा करंट ऑडिट वर्क जो हम कर रहे हैं उसका कंट्रोल हो सकता है। एविडेंस ऑफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म,
हमने जो ऑडिट वर्क परफॉर्म किया उसका एविडेंस हमारे पास रहता है, क्योंकि हमने वो सब डॉक्यूमेंट कर लिया तो हमारे पास एविडेंस रहता है कि हमने अपना ऑडिट वर्क है वो प्रॉपरली परफॉर्म किया है। शेड्यूल सपोर्टिंग और एडिशनल आइटम इन द अकाउंट, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है उसमें जो भी आइटम्स लिखे गए हैं उसके सपोर्टिंग शेड्यूल भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं, साथ में कुछ एडिशनल आइटम है जो एंटिटी से रिलेटेड जरूरी है वो सब भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस बींग ऑडिटेड इंक्लूडिंग द रिसेंट हिस्ट्री, जो हम बिजनेस ऑडिट जिस बिजनेस की हम ऑडिट कर रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहती है इंक्लूडिंग द रिसेंट हिस्ट्री। यहाँ पर हिस्ट्री वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम ऑडिट कर चुके हैं, हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर लिया, तो रिसेंट हिस्ट्री क्या थी वो डॉक्यूमेंटेशन से हमें पता लग जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। आईएएस ऑडिट में क्या होता है फ्रेंड्स, मेन इनहेरेंट लिमिटेशन ये होती है कि जो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं रह के और ऑटोमेटेड फॉर्म में हमें ऑनलाइन अवेलेबल होता है। टू बी एबल टू प्रिपेयर द प्रॉपर रिपोर्ट ऑडिटर नीड्स द डॉक्यूमेंटेड एविडेंस। द प्रॉब्लम ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट अवेलेबल इन द फिजिकल फॉर्म हैज़ बीन हाईलाइटेड एट मैनी प्लेस, अलग अलग जगहों पर वो रहते हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ एक्शन दैट ऑडिटर नीड्स टू टेक टू एड्रेस द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या हुई कि जो फिजिकली हमारे पास में एविडेंस नहीं रहते, अलग अलग जगह पर ऑनलाइन मेंटेन रहते हैं, तो इसकी ये जो प्रॉब्लम है इसके सॉल्यूशन ऑडिटर दो तरीक़ों से कर सकता है। पहले तो वो स्पेशल ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ कर सकता है जिसको बोला जाता है कंप्यूटर असिस्टेंट ऑडिट टेक्निक्स, कैट टूल्स, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा, ऑडिट टाइमिंग कैन बी सो प्लान्ड, वो इस तरीके से अपने ऑडिट को प्लान कर सकता है दैट ऑडिटर इज एबल टू वैलिडेट ट्रांजेक्शन एज दे अकर इन द सिस्टम। जैसे ही ट्रांजेक्शन अकरेंस हुई वैसे ही उसकी ऑडिट कर ली, तो उस तरीके से वो दो चीज़ें कर सकता है, या तो वो इन टूल्स को यूज़ कर सकता है या फिर वो इस तरीके से अपने ऑडिट को प्लान कर सकता है कि वो जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर हुआ वैसे ही उसकी उसने ऑडिट कर ली। अब ऐसे 200 जो हमारा है वो क्या बोलता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये हमें कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन बताता है जो कि किसी ऑडिट के अंदर हो सकती है। फर्स्ट इज़ नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नेचर। अब हमें क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रोविजंस होते हैं, बैड डेट्स होते हैं, डेप्रिसिएशन होता है, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, तो नेचर भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऐसा होता है कि उससे इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। ये प्रोविजन अपने जजमेंटल बेसिस पे बनाते हैं, उसके अलावा जो बैड डेट्स होते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और भी है, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो होता है, एक्सपेक्टेड जो लॉस होते हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो पहला हो गया नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकेंड इज द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो ऑडिट प्रोसीजर की नेचर है वो, ऑडिटर एक तो मटेरियलिटी को फॉलो करता है, एक उसे बहुत सारे जजमेंट लेने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करना होता है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस कॉन्सेप्ट, ये सब फॉलो करने होते हैं। तो हमारी जो ऑडिट है, ऑडिट प्रोसीजर्स है, उनकी नेचर भी इस टाइप की ही होती है। थर्ड इज रीजनेबल पीरियड एंड रीजनेबल कॉस्ट, ऑडिटर के पास में जो टाइम और कॉस्ट है उसकी जो लिमिटेशन होती है, तो ये थर्ड इनहेरेंट लिमिटेशन हो गई। अगली है कि अगर उसके पास में टाइम और पीरियड कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑडिटर है वो ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाएगा और ओमिट कर लेगा कोई ऑडिट प्रोसीजर जो लगाना नेसेसरी है, ऐसी कोई ऑडिट प्रोसीजर ओमिट नहीं कर सकता जिसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर भी अवेलेबल नहीं है। अगर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तब तो वो सोच सकता है कि भाई एक ऑडिट प्रोसीजर कम लगा ले, लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव भी नहीं है तो वो ओमिट नहीं कर सकता। एंड सेकेंड इज कि जो अगर वो लेस परस्यूसिव एविडेंस है उसको वो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, परस्यूसिव होने चाहिए एविडेंस, वो इस वजह से नहीं कि टाइम कॉस्ट कम है कि परस्यूसिव एविडेंस ही एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रॉड, पर्टिकुलरली फ्रॉड इन्वॉल्विंग द सीनियर मैनेजमेंट एंड कल्यूजन। फ्रॉड्स हो सकते हैं मेनली जो सीनियर मैनेजमेंट है उन फ्रॉड्स को ढूंढ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके हाथ में ही पूरा एंटिटी का कंट्रोल होता है, तो वो ऐसे फ्रॉड कर सकते हैं जो पकड़ में ना आए। इसके अलावा कल्यूजन, मिली भगत, जो इंप्लॉय वहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपस में मिलकर कुछ कल्यूजन या फिर मिली भगत कर सकते हैं, जिससे क्या होता है उसको ढूंढ पाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड रिलेशनशिप। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को ढूंढ पाना मुश्किल होता है, उसमें बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अंदर बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। पहले तो कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो सीनियर मैनेजमेंट ने किए हो, उनको ढूंढ पाना मुश्किल होता है, और अगर ढूंढ लिया तो फिर उसको ये जज कर पाना कि वो जो आर्म लेंथ है या नहीं है वो भी मुश्किल हो जाता है।
नेक्स्ट इज द अकरेंस ऑफ नॉन कम्प्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन. हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ा है कंसिडरेशन ऑफ द लॉज एंड रेगुलेशन इन परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट. तो उसमें ये था कि जो लॉज और रेगुलेशन वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं उनको ऑडिटर को पूरा देखना होता है शुरू से लेकर एंड तक फॉलो हुए कि नहीं हुए. फिर भी उसको जो और जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं उसका कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करने होते हैं. तो ये जो नॉन कम्प्लायंस है कभी कभी ढूंढने से रह जाती है क्योंकि ऑडिटर को एकदम डिटेल स्टडी नहीं करनी होती किसी लॉज और रेगुलेशन की. थर्ड है गोइंग कंसर्न. कोई कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिससे गोइंग कंसर्न को खतरा हो सकता है तो नेक्स्ट इनहेरेंट लिमिटेशन हो गई गोइंग कंसर्न. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिजिटल एविडेंस. जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है वो बताता है कि जो एविडेंसेस है वो दो टाइप के होते हैं. पहला होता है ओरल एविडेंस, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ओरल एविडेंस कौन से होते हैं कि जो भी कोर्ट है उसके अंदर इंक्वायरी के अंदर कोई भी मैटर चल रहा है उससे रिलेटेड जो कोर्ट है वो परमिट करता है या तो परमिट कर रहा है या फिर रिक्वायर कर रहा है किसी विटनेस से कोई स्टेटमेंट देना. मतलब वो कोर्ट किसी विटनेस को ये बोल रहा है कि जो भी अंडर कंसिडरेशन जो भी मैटर है उससे रिलेटेड कुछ भी स्टेटमेंट आपके हो तो वो आप दे सकते हो या तो परमिट कर रहा है या रिक्वायर कर रहा है मांग रहा है चला के तो उसको बोलते हैं ओरल एविडेंस. दूसरा आता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. मतलब कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए दिया तो वो डॉक्यूमेंट्री है. अगर स्टेटमेंट दिया कोई विटनेस ने तो वो है ओरल एविडेंस. जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है वो बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो भी एज अ एविडेंस एक्सेप्टेबल होंगे. मतलब आईटी एक्ट में ये प्रोविज़न बनाए गए हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिकली अगर कोई रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं तो वो भी एज अ एविडेंस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे भले वो फिजिकल फॉर्म में ना हो. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को भी एक्सेप्टेबल माना गया है और ई गवर्नेंस की आईटी एक्ट के अंदर ई गवर्नेंस की बात भी की गई है कि ई गवर्नेंस कैसे अपन को फॉलो करनी है. तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है. तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कॉन्करेंट और कंटिन्यूअस ऑडिट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है. यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर पूछते हैं तो हम इसको एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो कॉन्करेंट ऑडिट किसको बोलते हैं. पहली बात तो आजकल जो ऑडिट होती है मतलब ऑटोमेटेड सारा काम होने लग गया तो ऑडिट ट्रेल मिसिंग होती है. जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम होता था ना उसमें हमें एंड टू एंड स्टार्ट से लेके एंड तक पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ मिल जाता था. जैसे जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट सब एविडेंस मिल जाते. इसके अलावा वाउचर बिल भी मिल जाते. लेकिन कभी कभी क्या होता है आजकल ऑटोमेटेड सिस्टम में ऑडिट ट्रेल मिसिंग पाई जाती है. इसके अलावा जो इमीडिएट ऑडिट करने के लिए ये जो कॉन्करेंट ऑडिट टूल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं. टुडे ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन ऑन रियल टाइम और ऑनलाइन बेसिस. रियल टाइम आजकल प्रोसेसिंग होती है. दो टाइप की प्रोसेसिंग होती है. एक तो ऑनलाइन और रियल टाइम जो कि ट्रांजैक्शन जैसे ही हुआ वैसे ही उसको रिकॉर्ड कर लिया. दूसरी होती है बैच प्रोसेसिंग. मतलब अगर 100 ट्रांजैक्शन हुए तो हम 100 का एक बैच बनाएंगे तो 100 ट्रांजैक्शन जब इकट्ठे हो जाएंगे फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी. लेकिन आजकल जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑनलाइन और रियल टाइम प्रोसेसिंग है वो यूज़ करती है. तो रियल टाइम रिकॉर्डिंग्स नीड्स अ रियल टाइम ऑडिटिंग टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस एश्योरेंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ डेटा दैट इज कंटिन्यूअस ऑडिटिंग. जो रियल टाइम रिकॉर्डिंग होती है उससे रियल टाइम एश्योरेंस भी चाहिए होता है ताकि हम देख सकें कि जो क्वालिटी ऑफ डेटा है वो सही है कि नहीं है. मतलब इफेक्टिव है या नहीं है सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं ट्रांजैक्शन. इसके लिए क्या होता है कि अगर रियल टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसकी रियल टाइम ऑडिट भी होनी चाहिए. कंटिन्यूअस ऑडिट टूल एनेबल द ऑडिटर टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द परहैप्स टू एलिमिनेट टाइम बिटवीन द अकरेंस ऑफ द क्लाइंट्स इवेंट्स. जो ये कॉन्करेंट ऑडिट टूल्स होते हैं वो ऑडिटर को ऑडिटर का जो टाइम गैप है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं. इसमें ट्रांजैक्शन होने में और उसके ऑडिट का जो टाइम गैप है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं और शायद ही उसको एलिमिनेट भी कर देते हैं कभी कभी क्लाइंट के सिस्टम में. एरर्स इन द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम आर जनरेटेड एट हाई स्पीड. एरर्स हाई स्पीड से जनरेट होने का मतलब क्या है कि अगर जैसे कि अगर एक सिस्टम है उसमें कोई एरर है इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में तो जैसे अगर एक कैलकुलेशन में एरर आ गई तो वो हर एक कैलकुलेशन में आएगी. मतलब हाई स्पीड से बढ़ेगी जब तक कि वो चेक ना हो जाए. और हो सकता है कि अगर हम ऑनलाइन या रियल टाइम जो उसकी ऑडिट नहीं कर रहे कंटिन्यूअस ऑडिट उसकी नहीं कर रहे तो जब हमें बहुत बाद में पता लगा तब तक बहुत लॉस हो सकता है. कंटिन्यूअस ऑडिट टेक्निक्स यूज टू बेसिस फॉर कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस. वन इज यूज ऑफ एम्बेडेड मॉडल्स इन द सिस्टम टू कलेक्ट प्रोसेस एंड प्रिंट ऑडिट एविडेंस एंड अदर इज स्पेशल ऑडिट रिकॉर्ड्स यूज टू स्टोर एंड ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड.
ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे ऑडिट टूल्स के अंदर। तो जो कॉन्करेंट ऑडिट या कंटिन्यूअस ऑडिट है उसके अंदर चार पांच तरीके के ऑडिट टूल्स हैं यहाँ पे। पहला है स्नैपशॉट, फिर आता है ITF, देन स्कार्फ, फिर आता है CIS, एंड लास्ट इज ऑडिट हुक। तो हम इसको एक एक करके और डिस्कस करते हैं। पहला आता है स्नैपशॉट। अभी स्नैपशॉट क्या होता है, देखो स्नैपशॉट क्या होता है कि जैसे हमने एक स्नैपशॉट नाम का सॉफ्टवेयर है वो हमारे सिस्टम में लगा दिया, तो क्या होता है कि जब इनपुट हुआ ट्रांजैक्शन, तो जब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों चीज़ों के दौरान वो स्नैपशॉट उसकी इमेज क्लिक करता है। जैसे इनपुट हुआ किसी ATM के अंदर कि हमें 500 रुपये विड्रॉल चाहिए, तो उस टाइम जो स्नैपशॉट होगा वो उसकी पिक्चर्स है वो क्लिक करेगा। देन इनपुट वैलिडेशन, देन अपडेट। अपडेट क्या हुआ कि जैसे हमारा 10,000 का अकाउंट बैलेंस था तो उसमें से 500 कम हो गए क्योंकि 500 विड्रॉ कर लिए, तो उसकी भी वो स्नैपशॉट है वो पिक्चर्स लेगा। फिर जो आउटपुट आएगा मतलब कि अब हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना बचा, 9,500, तो उसकी भी जो स्नैपशॉट है वो पिक्चर क्लिक करेगा। तो इस तरीके से वो एक एक्सटेंडेड रिकॉर्ड बनाता है कि जैसे इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट उसकी जो फोटोज़ है वो ऑडिटर को मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो ऑडिटर है वो देख सकता है कि जो शुरू से लेके एंड तक जो ऑडिट ट्रेल है वो उसको मिल जाती है। नहीं तो क्या है, पहले ट्रेडिशनल सिस्टम में तो क्या होता था कि जैसे 500 की हमने विड्रॉल की एप्लीकेशन की, तो जो 500 की विड्रॉल स्लिप भी बनती थी एक, तो वहाँ से हम एक टिक वहाँ पर हो जाता, एक टिक कस्टमर के अकाउंट में हो जाता कि भाई 500 निकाले हैं तो 9,500 का बैलेंस बचा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता क्योंकि विड्रॉल स्लिप और नहीं होती, तो इसलिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें हेल्प करता है ऑडिट ट्रेल अवेलेबल जो ऑडिटर को है वो हो जाती है। इसमें ऑडिटर को क्या डिसाइड करना होता है, पहले तो वैन पिक्चर्स कब क्लिक करनी है। जब स्टार्ट होता है इनपुट तो उससे पहले बहुत सारे इवेंट आते हैं, लेकिन किस इवेंट पे पिक्चर क्लिक करनी है वो ऑडिटर डिसाइड करता है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट फॉर्मेट। रिपोर्ट का फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में ऑडिटर को रिपोर्ट चाहिए, मतलब कि अगर स्नैपशॉट हमें पिक्चर क्लिक करके दे रहा है तो ऑडिटर को वो समझ भी आनी चाहिए, तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए ऑडिटर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट आता है स्नैपशॉट पॉइंट्स। स्नैपशॉट पॉइंट्स, पॉइंट्स का मतलब होता है कि व्हाट, मतलब किसकी क्या पिक्चर्स क्लिक करनी है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिस पर क्लिक करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी वो डिसाइड करेगा ऑडिटर। ऐसा नहीं है कि सारी जो भी पॉइंट्स है वहाँ पर सारी पिक्चर्स क्लिक करता रहेगा, लेकिन जो मटेरियल है उसकी वो पिक्चर क्लिक करेगा, मटेरियल ट्रांजेक्शन्स की जो ऑडिटर उसको बताएगा स्नैपशॉट को, मतलब वो स्नैपशॉट के अंदर उस तरीके से ही फीड कर देगा कि भाई ये पॉइंट्स है उसकी आपको पिक्चर क्लिक करनी है। तो इस तरीके से स्नैपशॉट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ITF। एक सेकेंड, स्नैपशॉट क्या होता है, ऑथेंटिकेशन, एक्यूरेसी एंड कम्प्लीटनेस। जो ट्रांजेक्शन की ऑथेंटिसिटी है, एक्यूरेसी एंड कम्प्लीटनेस ये पूरी चेक हो जाती है। एक्यूरेसी कैसे चेक होती है, जैसे कि 10,000 माइनस 500 जो हमने निकाल लिए और जो 9,500 बचा, तो ये पूरा एक्यूरेट हुआ या नहीं, पूरा कम्प्लीट हमें मिलता है शुरू से लेकर एंड का व्यू, और ऑथेंटिकेट है या नहीं ये सब पता लग जाता है स्नैपशॉट के द्वारा। तो इस तरीके से ये एक कंटिन्यूअस ऑडिट टूल हमारा कंप्लीट होता है। अगला आता है ITF, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। अब ये क्या होता है, हम इसको यहाँ से समझेंगे। जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें टैली के अंदर कंपनीज बनती है, तो क्या होता है ना कि जो ऑडिटर अगर ऑर्गेनाइजेशन को बोले कि हमें आपके ओरिजिनल सिस्टम में डमी डेटा डालना है, तो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलाउ नहीं करता। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो वो डमी डेटा है वो उसको रिमूव करना भूल जाए ऑडिटर, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिस पर कुछ इनकरेक्ट डिसीजन ले ले, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल सकता है उस डमी डेटा के बेसिस पे कि आपका डेटा है तो इस पर भी आप जो है इनकम टैक्स भरो। इस तरीके से कंप्लाइंसेस भी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसके लिए एक हमारे पास में टूल आया ITF। ITF क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है उसका एक ओरिजिनल सिस्टम होता है, और हम एक डमी सिस्टम क्रिएट करते हैं। जो ITF है वो एक डमी सिस्टम है। अब ऑडिटर क्या करता है कि इस डमी सिस्टम के अंदर डमी डेटा डालता है और देखता है कि वो वर्क प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये डमी सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो ये जो ओरिजिनल सिस्टम है वो भी प्रॉपर्ली ही वर्क कर रहा होगा, क्योंकि ओरिजिनल सिस्टम का ही ये रेप्लिका है डमी सिस्टम। ओरिजिनल सिस्टम के अंदर हमने जो कंपनी बनाई है उसको अब छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं करता, इसलिए हम ये डमी सिस्टम क्रिएट करते हैं। अब इसमें डमी डेटा डाल के ऑडिटर चेक कर सकता है।
अब क्या होता है ना कि ये जो डमी डेटा होता है वो ऑडिटर को खुद को बनाना पड़ता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके साथ ही जो अगर हम ऐसा करें कि जो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ऑपरेटर है वो जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम है उस पर कोई डेटा अगर इनपुट कर रहा है तो वो उसकी रियल टाइम यहाँ पर भी अगर लाइव डेटा, इसको बोलते हैं लाइव डेटा, जो ऑपरेटर है वो लाइव डेटा यहाँ पर डाल सकता है, जिससे क्या होगा यहाँ पे भी प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पर भी प्रोसेसिंग होगी। अगर यहाँ की प्रोसेसिंग सही है तो फिर यहाँ की भी सही है, यहाँ की गलत है डमी की तो ओरिजिनल की भी हमारी गलत होगी। तो इस तरीके से लाइव डेटा यहाँ पर डाल सकता है। तो एक होता है डमी डेटा, एक होता है लाइव डेटा। डमी डेटा का फ़ायदा क्या है कि ये मैक्सिमम कंडीशन है वो कवर करता है, कि जैसे आज मान लो कि अगर कोई 9th Feb है, आज का कोई ट्रांजेक्शन 9th Feb का, ठीक है, तो अगर लाइव डेटा के अंदर मान लो डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं आई तो डेप्रिसिएशन सही तरीके से कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हम देख नहीं सकते। तो अगर डमी डेटा है, अगर हम सोच के डालेगा ऑडिटर कौन कौन से डेटा डालना है, तो वो डेप्रिसिएशन की कंडीशन को भी कवर कर सकता है। लेकिन डमी डेटा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये जो लाइव डेटा है वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। अभी पूरा सिस्टम हमने चेक कर लिया, उसके बाद में हमें सिस्टम के इफेक्ट को रिमूव करना होता है। रिमूव करना क्यों होता है, क्योंकि रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा, नहीं तो कि हो सकता है डमी के बेसिस पे कुछ रॉन्ग डिसीजन आ जाए या फिर कंप्लाइंसेस इनकम टैक्स की हो जाए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल दे कि नहीं नहीं आपका ओरिजिनल सिस्टम ही डमी नहीं है, आप तो झूठ बोल रहे हो, इस पर भी टैक्स भरो, तो ऐसा हो सकता है। तो इसके इफेक्ट को रिमूव तीन तरीकों से कर सकते हैं। पहले तो मार्क एज डमी, जब हम डमी सिस्टम बना रहे हैं तभी उसको मार्क कर दे कि हमारे डमी सिस्टम है, एक तो ऐसे इसका इफेक्ट रिमूव हो सकता है, या फिर रिवर्स एंट्रीज कर दे, जैसे सेल्स टू डेटर तो डेटर टू सेल्स कर दे। अगला है नॉमिनल अमाउंट, ये जो ट्रांजेक्शन हम नॉमिनल अमाउंट से कर दे, जैसे कि जीरो वैल्यू से कर दे, सॉरी हाँ मैंने गलत बोल दिया, अगर कोई डेटर टू सेल्स है उसकी सही एंट्री क्या होगी, डेटर टू सेल्स, तो उसके इफेक्ट को हटाने के लिए हम इसको रिवर्स कर देंगे सेल्स टू डेटर। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब इसको ये बुक से एक बार रीड कर लेते हैं। द ITF टेक्निक इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ डमी एंटिटी इन दिस एप्लीकेशन सिस्टम फाइल्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिट टेस्ट डेटा अगेंस्ट द एंटिटी एज अ मीन्स ऑफ वेरीफाइंग, वेरीफाई करने के लिए प्रोसेसिंग ऑथेंटिसिटी एक्यूरेसी एंड कम्प्लीटनेस। इसको वेरीफाई करने के लिए एक डमी एंटिटी क्रिएट की जाती है। This test data would be included in the normal production data used in input to the application system. जो normal production data हम application system, मतलब कि जो अपना original system में use कर रहे हैं input करने के लिए, वही इसमें input कर सकते हैं। In such a cases, the auditor has to decide what would be the method to be used to enter test data and the method for removal of effect of ITF transaction. ऑडिटर को ये डिसाइड करना होता है कि टेस्ट डेटा किस तरीके से उसको एंटर करना है और रिमूवल ऑफ इफेक्ट, रिमूव कैसे करना है इफेक्ट को। मतलब हमने पढ़े थे रिमूवल के तीन तरीके हो सकते हैं, उसमें से और टेस्ट डेटा भी दो तरीके का हो सकता है, डमी और लाइव। तो वो ऑडिटर को डिसाइड करना होता है कि ITF के अंदर उसको क्या यूज़ करना है। मेथड ऑफ एंटरिंग द टेस्ट डेटा, द ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन टू बी टेस्टेड हैव टू टैग्ड, the application system has to be programmed to recognize the tagged transaction and have invoked two updates, one to the application system master file and record and one to the ITF dummy entity. मतलब जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो टैग किए जाते हैं, एक तो हमारे एप्लीकेशन सिस्टम मास्टर फाइल, जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम है एप्लीकेशन सिस्टम मास्टर फाइल, और दूसरा है ITF entity, उन दोनों में जो टैग किया जाएगा। ऑडिटर कैन ऑल्सो embed the audit software modules in the application system program to recognize the transaction having certain characteristic as ITF transaction. वो ऑडिटर जो सिस्टम के अंदर इनबिल्ट लगा सकता है, ये जो ITF का जो सॉफ्टवेयर आता है वो आजकल इनबिल्ट आता है सॉफ्टवेयर, तो उस तरीके से जो ऑडिटर वो ITF लगा सकता है। टैगिंग लाइव ट्रांजेक्शन एज ITF transaction has the advantage to ease of use. अगर हम live data डाल रहे हैं तो easy to use होगा, क्योंकि जो dummy के अंदर सोचना पड़ता है इसमें सोचना नहीं पड़ता। And testing with a transaction representative of the normal system processing. However, use of live data could mean to the limiting condition. हमने पढ़ा था कि जो इसमें condition होती है वो limited होती है live data के अंदर, लेकिन जो dummy data उसमें maximum condition cover होती है। Within a system are not tested, embedded modules may interfere with the production processing. The auditor may also use the test data that is specifically prepared. जो स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड करता है ऑडिटर टेस्ट डेटा, उसको भी वो यूज़ कर सकता है। टेस्ट ट्रांजेक्शन वुड बी एंटर्ड अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन इनपुट इन द एप्लीकेशन सिस्टम। टेस्ट डेटा है वो एंटर होते हैं एप्लीकेशन सिस्टम के साथ साथ, उसमें भी डमी सिस्टम में भी। इन दिस अप्रोच द टेस्ट डेटा इज लाइकली टू अचीव मोर कम्प्लीट कवरेज ऑफ द एग्जीक्यूशन पैथ। हमने पढ़ा था कि जो टेस्ट डेटा जो डमी डेटा वो डाल रहा है वो
वो क्या करता है, कंप्लीट कवरेज करता है एग्जीक्यूशन पाथ की, मतलब वो मैक्सिमम जो कंडीशंस हो बन सकती है वो सारी कवर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया मेथड ऑफ एंटरिंग द टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा एंटर कैसे करते हैं वो हमने समझ लिया। अब मेथड ऑफ रिमूविंग के अंदर द प्रेजेंस ऑफ ITF ट्रांजेक्शन विद इन अ एप्लीकेशन सिस्टम अफेक्ट द आउटपुट रिजल्ट ऑब्टेन्ड, द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन हैव टू बी रिमूव्ड, द एप्लीकेशन सिस्टम मे बी प्रोग्राम टू रिकोगनाइज ITF ट्रांजेक्शन। इस तरीके से हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो रिकोगनाइज कर ले कि ये ITF ट्रांजेक्शन है, मतलब उस पर मार्क कर दिया डमी की ये डमी है, तो पहले से ही रिकोगनाइज हो जाएगा कि ये ITF ट्रांजेक्शन है, to ignore them in terms of any processing that might affect the user. Another method is would be removal of effect of ITF transaction input, reverse the effect of ITF. हम उसके इफेक्ट को रिवर्स कर दें, मतलब अगर एंट्री की डेटा टू सेल्स तो उसको रिमूव करने के लिए सेल्स टू डेटा कर सकते हैं। अनदर लेस यूज अप्रोच इज द सम ट्रिवियल एंट्रीज, मतलब बहुत ही नॉमिनल अमाउंट की हम एंट्री कर लें सो दैट द इफेक्ट ऑफ ITF ट्रांजेक्शन ऑन द आउटपुट आर मिनिमल। तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर नॉट रियली रिमूव्ड, रियली हम रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम बहुत ही नॉमिनल वैल्यू से उसकी एंट्री करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला आता है स्कार्फ, तो हम इसको पहले यहां से पढ़ लेते हैं एक बार। स्कार्फ क्या होता है, एक कस्टमाइज स्टैंडर्ड पॉलिसी एम्बेडेड इन द स्कार्फ, मतलब कि स्कार्फ के अंदर हमारी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि हम स्कार्फ को इस तरीके से कस्टमाइज़ कर दिया कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि हमें 10% डिस्काउंट देना है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी हो सकती है जिसमें 20% डिस्काउंट अलाउड हो सकता है, तो ये हमने एक पॉलिसी है वो स्कार्फ के अंदर डाल दी। अब जब भी जो हमारी सेल्समैन है वो सेल करेंगे, अगर हर टाइम वो 20% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये 20% कभी कभी अलाउड था, नॉर्मली जो हम डिस्काउंट देते हैं 10% का देते हैं। तो इस तरीके से जो स्कार्फ है वो अपनी स्टैंडर्ड पॉलिसी से इसको कंपेयर करेगा और ऑडिटर को रिपोर्ट करेगा कि ये जो सेल्समैन है वो बार बार 20% का ही डिस्काउंट दे रहा है, कभी 10% का दिया ही नहीं उसने, हमेशा 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो ये क्या करता है, कंपेयर करता है एक्चुअल ट्रांजेक्शन को विद द पॉलिसी, मतलब जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन किसी एंटिटी के अंदर हो रहे हैं प्लस जो स्कार्फ की अंदर जो पॉलिसी डाली है ऑडिटर ने, उस दोनों को कंपेयर करेगा और जो ऑनलाइन रिप्लाई करेगा ऑडिटर को वाया ईमेल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनपुट ट्रांजेक्शन, देन अपडेट प्रोग्राम होगा, मतलब प्रोसेसिंग होगी, और फिर स्नैपशॉट फाइल से रिपोर्ट करेगा स्कार्फ रिपोर्टिंग सिस्टम और ऑडिटर को रिपोर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पर जो स्कार्फ होता है वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा। स्नैपशॉट तो क्या था कि जो सारे ट्रांजेक्शन की इनपुट फिर देन उसकी प्रोसेसिंग देन आउटपुट, तीनों की जो पिक्चर क्लिक करके और रिकॉर्ड जो रिपोर्ट करता था ऑडिटर को। लेकिन थोड़ा सा एडवांस है स्कार्फ, वो क्या करता है कि जो उसको हम कस्टमाइज़ कर देते हैं कि भाई ये पॉलिसी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, इसके अकॉर्डिंगली अगर इसके बाहर कुछ काम हो रहा है तो वो ऑडिटर को रिपोर्ट कर देता है। तो इस तरीके से स्कार्फ होता है। इसको बुक से रीड कर लेते हैं। द स्कार्फ टेक्निक इन्वॉल्व द एम्बेडिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विद इन अ होस्ट, मतलब क्लाइंट के एप्लीकेशन में। तो ये स्कार्फ कहाँ लगाएंगे, क्लाइंट के एप्लीकेशन में लगाएंगे। टू प्रोवाइड विद द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम ट्रांजेक्शन, द इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज रिटर्न ऑन टू द स्पेशल ऑडिट फाइल द स्कार्फ मास्टर फाइल। स्कार्फ की एक मास्टर फाइल बनती है जिसमें हम अपनी जो पॉलिसी है वो लिख देते हैं ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या क्या है। ऑडिटर देन एग्जामिन द इन्फॉर्मेशन contained on this file to see some aspect of the application system needs follow up. अब क्या होता है, एक जो क्वेश्चन है वो बनता है स्कार्फ का यहाँ पर कि स्कार्फ टू कलेक्ट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ऑडिटर यूज करता है स्कार्फ का फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब ये टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी, ये हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है एप्लीकेशन सिस्टम एरर। स्कार्फ ऑडिट रूटीन प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट चेक ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम प्रोसेसिंग। ये चेक करता है क्वालिटी को सिस्टम प्रोसेसिंग की, मतलब वो प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन है नहीं सिस्टम की प्रोसेसिंग में। वेदर देयर इज एनी डिजाइन और प्रोग्रामिंग एरर्स, डिजाइन में या प्रोग्रामिंग में कोई एरर तो नहीं है। एज वेल एज एरर दैट कुड बी क्रीप इन टू द सिस्टम वैन इट इज मॉडिफाइड एंड मेंटेन। जब वो सिस्टम जब डिज़ाइन हुआ और बना, मतलब प्रोग्राम और डिज़ाइन हुआ, जब उसमें कोई एरर तो नहीं है, या फिर जब उसको मॉडिफाई किया गया, मेंटेन किया गया, मतलब कभी कभी क्या होता है अपडेट वर्जन आता है तो उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, या फिर मेंटेनेंस के लिए कुछ मेंटेन किया गया, तो उसके दौरान कोई सिस्टम की प्रोसेसिंग एरर तो नहीं है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो ऑडिटर है वो स्कार्फ का यूज़ कर सकता है। सेकेंड आता है पॉलिसी एंड प्रोसीजरल वेरियंसेज।
ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर स्टैंडर्ड है ऑर्गेनाइजेशन की इंडस्ट्री के, वो उसको पालन करने होते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई वेरियंसेज है तो उसको ढूंढने के लिए जो ऑडिटर है वो स्काफ का यूज़ कर सकता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि 20% डिस्काउंट देना है, लेकिन अगर जो कोई सेल्फ सेल्स पर्सन है वो 30% डिस्काउंट दे रहा है तो उस केस के अंदर स्काफ है वो ऑडिटर को रिपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है सिस्टम एक्सेप्शंस। अब कोई एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन होते हैं तो जो स्काफ है वो ऑडिटर को उसकी हाथों हाथ रिपोर्टिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल सेल्स पर्सन माइट हैव सम लीवे इन द प्राइसेस दे चेंज टू द चार्ज टू द कस्टमर। स्काफ कैन यूज टू सी हाउ फ्रिक्वेंटली सेल्स पर्सन ओवरराइड द स्टैंडर्ड प्राइस। अगर स्टैंडर्ड प्राइस से ज़्यादा अगर सेल्स पर्सन कोई बेच रहा है तो कितनी फ्रिक्वेंसी क्या है उसके बेचने की, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो स्काफ है वो रिपोर्ट करेगा सीधा सीधा ऑडिटर को, ठीक है। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं क्रेडिट पॉलिसी का। अगर कोई पॉलिसी और प्रोसीजर वेरियंसेस में हो सकता है क्रेडिट पॉलिसी अगर 30 डेज़ की है लेकिन कोई सेल्स पर्सन 45 डेज़ की क्रेडिट दे रहा है तो उस केस के अंदर यहाँ पर कोई गड़बड़ होगी और जो स्काफ है वो ऑडिटर को रिपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है स्टेटिस्टिकल सैंपल। कन्वीनियंट वे टू कलेक्टिंग ऑल द सैंपल, ये कन्वीनियंट वे है कलेक्टिंग सैंपल का। सैंपलिंग अगर ऑडिटर खुद जाके करेगा तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन स्काफ जो है उसको सारे सैंपल जो है जहाँ पर एक्सेप्शन अराइज हुए हैं या जहाँ पर कुछ भी इरेगुलरिटी पाई गई है तो वहाँ पर जो ऑडिटर है वो ऑडिटर को स्काफ जो हाथों हाथ उसको रिपोर्ट कर देगा। इस तरीके से जो ऑडिटर को सारे सैंपल है वो मिल जाएंगे। स्नैपशॉट एंड एक्सटेंडेड रिकॉर्ड्स। स्नैपशॉट एंड एक्सटेंडेड रिकॉर्ड्स कैन बी रिटर्न इन टू द स्काफ फाइल एंड प्रिंटेड व्हेन रिक्वायर्ड। जो स्नैपशॉट है, जो फोटो इमेज क्लिक करने का काम जो स्नैपशॉट करता है वो क्वालिटी स्काफ के अंदर भी होती है। एक्सटेंडेड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, हमने जो देखा था जो स्नैपशॉट के अंदर वो रिकॉर्ड बनाता है एक कि हमने इनपुट के दौरान ये फोटोज़ ली, प्रोसेसिंग में ये ली और आउटपुट में ये ली, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रिकॉर्ड्स। तो ये दोनों कैपेबिलिटी इस स्काफ में भी पाई जाती है। प्रोफाइलिंग द डेटा, अगर कोई नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो वो उसकी प्रोफाइल क्रिएट करता है। जो भी यूज़र प्रोफाइल है उसकी नॉन रूटीन वर्क को डिटेक्ट करके और प्रोफाइल क्रिएट करता है और ऑडिटर को बताता है कि भाई ये जो यूज़र है इसने कुछ इरेगुलर काम किया है। ऑडिटर कैन सी द एम्बेडेड ऑडिट रूटीन्स टू कलेक्ट द डाटा टू बिल्ड अ प्रोफाइल ऑफ सिस्टम यूज़र। जो सिस्टम यूज़र है उसकी प्रोफाइल क्रिएट करता है। डेविएशन फ्रॉम द प्रोफाइल इंडिकेट दैट देयर मे बी सम एरर और इरेगुलरिटीज़। वहाँ पर कोई एरर या इरेगुलरिटी हो सकती है। अगर डेविएशन वहाँ पर पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी एरर या इरेगुलरिटीज़ है वो हो सकती है। जैसे कि हमारा जो फेसबुक अकाउंट है, अगर हम इंडिया से उसको एक्सेस करते हैं बार बार, हम यूजुअली इंडिया में ही उसको यूज़ करते हैं, लेकिन हम यूएस से कोई ट्रिप पे गए, वहाँ से अगर हमने फेसबुक अगर एक्सेस करेंगे तो वो ओटीपी, ईमेल कोड और सब वेरीफिकेशन मांगेगा। मतलब उनका एक सिस्टम है कि यूजुअल से अलग कुछ काम हो रहा है तो वो ओटीपी मांगेगा। उस तरीके से जो स्काफ है वो यूजर की प्रोफाइल से कुछ डेविएट हो रहा है कुछ काम, तो वो प्रोफाइल बना के और जो ऑडिटर को रिपोर्ट कर देगा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो ऑडिटर है वो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए भी स्काफ का यूज कर सकता है कि उसने कितना इंप्रूव किया पिछली परफॉर्मेंस की तुलना में इस परफॉर्मेंस के अंदर। जैसे कि अगर स्काफ ने लास्ट ऑडिट के दौरान जो है 60% एरर बताई थी और लेकिन इस बार उसने 40% ही बताई है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इस तरीके से जो ऑडिटर है वो अपनी परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकता है। नेक्स्ट आता है CIS, कंटिन्यूअस एंड इंटरमीडिएट सिमुलेशन। इसमें क्या होता है पहले हम समझते हैं इसको। एक सेकेंड, हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े थे कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर यूज़ करता है, तो उसकी मेमोरी टेक्निक क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम में एप्लीकेशन एंड पॉलिसी बनाई ताकि स्नैपशॉट स्टैटिस्टिकल डेटा की प्रोफाइल क्रिएट कर सके। क्या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम में एप्लीकेशन एंड पॉलिसी बनाई गई ताकि स्नैपशॉट स्टैटिस्टिकल डेटा की प्रोफाइल क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस से पॉइंट बन गया परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सिस्टम से बन गया सिस्टम एक्सेप्शन, एप्लीकेशन से बन गया एप्लीकेशन सिस्टम एरर, पॉलिसी से बन गया पॉलिसी एंड प्रोसीजर वेरियंसेज, स्नैपशॉट से बन गया स्नैपशॉट एंड एक्सटेंडेड रिकॉर्ड्स, स्टैटिस्टिकल से बन गया स्टैटिस्टिकल सैंपल, प्रोफाइल से बन गया प्रोफाइलिंग डेटा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं CIS। CIS क्या होता है कि
पहली बात तो सी आई एस कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन होता है ना वहाँ पर सी आई एस का यूज़ होता है। इसको सी आई एस को क्या अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में लगा सकता है, मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहा है उस सिस्टम के अंदर अपन सी आई एस को लगा सकते हैं। जैसे कि ए टी एम के अंदर क्या होता है, एक होता है बैकएंड, एक होता है फ्रंट एंड। बैकएंड पे हमारा डी बी एम एस होता है, जहाँ पर डी बी एम एस होता है ना वहाँ पर ही सी आई एस लगता है। तो डी बी एम एस सही तरीके से प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, डेटा को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको देखने के लिए हम जो सी आई एस टूल है इसका यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि जो बैकएंड है वहाँ पर इनपुट होता है डेटा, एप्लीकेशन प्रोग्राम, फिर आउटपुट फाइल आती है, उसकी इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट। तो उसका पैरेलल सिमुलेशन होता है सी आई एस के अंदर, मतलब यहाँ पर हमने एक सी आई एस लगा दिया, उसमें भी जैसे ही डेटा यहाँ पर एंटर हुआ वैसे ही यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे ही उसकी प्रोसेस होंगी वहाँ पर यहाँ पर उसका पैरेलल सिमुलेशन होगा, फिर इन दोनों की आउटपुट फाइल बनेगी, सी आई एस की भी बनेगी और जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उन दोनों की एक आउटपुट फाइल बनेगी। उसको हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद में जो ये सी आई एस है वो एक अपनी एक्सेप्शन लॉक फाइल बनाएगा। ये एक्सेप्शन लॉक फाइल क्या होती है कि जो ट्रांजेक्शन मैच नहीं हो रहे तो वो एक्सेप्शनल हो गए तो उसकी एक लॉक फाइल क्रिएट करेगा। अब इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो तीन तरीके की कंडीशन अराइज हो सकती है, या तो कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, तो ये सी आई एस बोलेगा गो अहेड, मतलब आप आगे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अगर स्मॉल डिफरेंस है तो जो सी आई एस है वो कलेक्टिवली, एक सेकेंड, स्मॉल डिफरेंस है लेकिन कलेक्टिवली वो हार्म कर रहे हैं, मतलब कि स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस हैं लेकिन ये सब मिलके बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं, तो इसकी सी आई एस एक लॉग मेंटेन करके और ऑर्डर को इसकी रिपोर्ट करेगा। अगर बहुत ज़्यादा बिग और मटेरियल डिफरेंस है तो सी आई एस बोल देगा स्टॉप, मतलब आगे प्रोसीड मत करो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो हम इसको बुक से एक बार रीड कर लेते हैं। दिस इज़ अ वेरिएशन ऑफ द स्काफ कंटिन्यूअस ऑडिट टेक्निक। ये स्काफ का एक बड़ा रूप है, क्योंकि और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पर होता है वहीं पर यूज़ किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डी बी एम एस होगा वहीं पर इसको सी आई एस को लगाया जाएगा। ये पैरेलल सिमुलेशन करता है, मतलब पैरेलल एंट्रीज होती है, फिर पैरेलल उसके आउटपुट को चेक कर सकते हैं हम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नीड्स अ एप्लीकेशन सिस्टम ट्रांजेक्शन, इट इज अ पास टू सी आई एस। सी आई एस दैन डिटरमाइन वेदर इट वॉन्ट्स टू एग्जामिन द ट्रांजेक्शन फर्दर, इफ यस द नेक्स्ट स्टेप आर परफॉर्म और अदरवाइज इट वेट्स टू रिसीव द फर्दर डेटा फ्रॉम द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर उसको लगता है कि सब कुछ करेक्ट है तो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ चेकिंग की ज़रूरत है तो वो वेट करेगा आगे के जो ट्रांजेक्शन की डिटेल्स है वो रिसीव करने के लिए, फिर उसके बाद चेकिंग करेगा, फिर देखेगा कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। सी आई एस रेप्लीकेट सिम्यूलेट द एप्लीकेशन सिस्टम प्रोसेसिंग। ये एक रेप्लिका है सी आई एस, हमने देखा था कि जैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन एंटर हुआ ओरिजिनल में वैसे ही सी आई एस में होता है, तो जो हमारा सिस्टम प्रोसेसिंग है उसकी रेप्लिका है जो सी आई एस क्रिएट करता है। Every update to the database that arises from processing the selected transaction will be checked by the CIS to determine whether the discrepancy exists between the result of the produce and those application system produce. जो भी transaction enter होंगे उसमें से कुछ selected transaction को check करेगा CIS और देखेगा कोई discrepancy है कि नहीं है। Exception identified by CIS are written to the exception log file. हमने देखा था कि CIS के अंदर एक log file maintain होती है, उसको बोलते हैं exception log file. जो भी exceptions arise हुए उसकी एक log file बनाए create करेगा CIS, उसको बोलते हैं exception log file. The advantage of CIS is that इट डज़ नॉट रिक्वायर द मोडिफिकेशन टू द एप्लीकेशन सिस्टम। हमने पढ़ा था कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन सिस्टम है उसमें कोई भी तरीके की मोडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मतलब उसके अंदर ही अपन सी आई एस को लगा सकते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कंटिन्यूइंग ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट एनेबल्स ऑडिटर टू शिफ्ट देयर फोकस टू द ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शन ऑडिट टू द सिस्टम एंड ऑपरेशन। कंटिन्यूस ऑडिट जो ऑडिट है वो ऑडिटर को फोकस जो उसका ट्रेडिशनल ऑडिट में होता था तो ट्रांजेक्शंस पर होता था, लेकिन अब कहाँ पर होता है, सिस्टम पे और ऑपरेशंस पे, कि सिस्टम सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ऑपरेशन सही है कि नहीं है। तो इसके मेजर बेनिफिट क्या होंगे, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ बेसिक ऑडिट असाइनमेंट बाय अनेबलिंग ऑडिटर टू टेस्ट अ ग्रेटर सैंपल ऑफ क्लाइंट्स ट्रांजेक्शन एंड एग्जामिन द डेटा फास्टर और मोर एफिशिएंटली देन मैनुअल सिस्टम रिक्वायर्ड ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। मैनुअल सिस्टम की तुलना में यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कम आती है और एग्जामिन डेटा फास्टली और एफिशिएंटली कर सकता है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टाइम कॉस्ट ऑडिटर ट्रेडिशनली स्पेंड ऑन द मैनुअल एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। मैनुअल सिस्टम के अंदर जो ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम भी और कॉस्ट भी, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती थी, लेकिन ऑटोमेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो जल्दी हो जाते हैं, उससे टाइम भी कम लगता है और कॉस्ट भी कम लगती है। इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, क्वालिटी इंक्रीज हुई है, क्योंकि जो अगर टाइम कम लगेगा तो जो अपना ऑडिटर अपना टाइम है वो जो दूसरे फोकस एरियाज़ है वहाँ पर
उस टाइम का जो बचा हुआ टाइम है उसका यूज़ कर पाएगा. इससे क्वालिटी भी मेंटेन होगी और फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस इंडस्ट्री एंड इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर. क्लाइंट का जो बिजनेस है, जो एंटिटी इंडस्ट्री जिसमें वो काम कर रहा है, और जो इंटरनल कंट्रोल है उस पर अपना फोकस ज़्यादा कर पाएगा क्योंकि उसका टाइम जो है यहाँ पर सेव होता है. स्पेसिफाइंग द ट्रांजेक्शन सिलेक्शन क्राइटेरिया टू चूज द ट्रांजेक्शन एंड परफॉर्म बोथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव टेस्ट थ्रू आउट द ईयर ऑन गोइंग बेसिस पे पूरे साल में वो लगातार जो अपने सब्सटेंटिव टेस्ट है वो और कंट्रोल है वो लगा सकता है, अपने ऑडिट को परफॉर्म कर सकता है पूरे साल. तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कम्प्लीट होता है. अब जो ये कैट टूल्स है, इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जो हम डिस्कस करते हैं. तो पहला आता है एडवांटेज ऑफ कैट टूल्स. पहला है टाइमली कॉम्प्रीहेंसिव एंड डिटेल ऑडिटिंग. एविडेंस वुड बी अवेलेबल मोर टाइमली एंड मोर कॉम्प्रीहेंसिव मैनर. टाइमली एविडेंस अवेलेबल होते हैं, जैसे हमने देखा स्नैपशॉट अपनी रिपोर्ट भेजता है, स्काफ भी रिपोर्ट भेजेगा, और DBMS के अंदर जो CIS लगता है वो भी अपनी रिपोर्ट भेज देता है, ITF भी. तो ये जो टाइमली देते हैं हमेशा, और कॉम्प्रीहेंसिव भी होते हैं मैनुअल की तुलना में. द एंटायर प्रोसेसिंग कैन बी इवेल्युएटेड एंड एनालाइज रादर देन द एग्जामिन द इनपुट एंड आउटपुट ओनली. हम केवल यहाँ पर इनपुट और आउटपुट एग्जामिन नहीं करके पूरी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, जैसे कि हमने CIS में भी पढ़ा कि पूरी प्रोसेसिंग को देखता है और आउटपुट को कंपेयर करता है, वैसे ही जो भी ऑडिट टूल्स थे वो पूरी प्रोसेसिंग को चेक करते हैं रादर देन इनपुट एंड आउटपुट ओनली. नेक्स्ट इज सरप्राइज टेस्ट कैपेबिलिटी. इनमें सरप्राइज टेस्ट कैपेबिलिटी होता है. ये जो CIS टूल है, जो वो ऑडिटर है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ में मिलके लगाता है, तो जो मिडिल लेवल है, सिस्टम मैनेजमेंट है, उन सबको इनके इसके बारे में पता नहीं होता, तो उनका सरप्राइज टेस्ट होता रहता है. क्योंकि जो फ्रॉड वो लोअर लेवल के या मिडिल लेवल के मैनेजमेंट करते हैं उनको पकड़ने के लिए ये टूल्स लगाए जाते हैं. द एविडेंसेज आर कलेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ बाय यूजिंग द कंटिन्यूअस ऑडिट टेक्निक. ऑडिटर कैन गैदर एविडेंस विदाउट द सिस्टम स्टाफ एंड एप्लीकेशन यूजर बीइंग अवेयर. जो सिस्टम स्टाफ है हमारा और एप्लीकेशन सिस्टम के जो यूज़र हैं वो अवेयर ही नहीं होते कि ऐसे कोई टूल्स लगाए भी गए हैं क्या. तो इस तरीके से उनकी सरप्राइज टेस्ट हो सकती है. इन्फॉर्मेशन टू सिस्टम स्टाफ ऑन मीटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव. अब यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा हुआ है आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको अगर ये समझाऊँ तो ये क्या होता है कि जो सिस्टम स्टाफ है वो क्या, जो हमारा IT स्टाफ है, सिस्टम स्टाफ का मतलब क्या है, जो हमारा IT डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट ऑफ यूज़र, वो क्या करता है, असेट की सेफगार्डिंग, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लाने के लिए जो बहुत सारे कंट्रोल्स है वो लगाता है, इसके अलावा जो ऑडिट टूल्स है वो लगाता है. तो जो ऑडिटर है वो देखेगा ऑडिट टूल्स से जिसको जो भी रिपोर्ट्स, उसको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पे वो देखेगा कि जो भी ये टूल्स लगाए गए हैं, जो भी ये कंट्रोल लगाए गए हैं, ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये ऑडिटर देखेगा. फिर ऑडिटर वो IT डिपार्टमेंट को बताएगा कि आपने जो एफर्ट लगाए हैं, आपने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए इनको लगाया था वो सेटिस्फाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं. तो इस IT डिपार्टमेंट को पता लगता है कि उनके ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाइड हुए हैं कि नहीं हुए हैं. ट्रेनिंग ऑफ न्यू यूज़र. ये इजी टू यूज़ होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑडिटर को केवल रिपोर्ट जो जनरेट हुई है उसकी ही चेकिंग करनी होती है. ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये तो सिस्टम में खुद ही इनबिल्ट होते हैं, तो इस तरीके से ये इजी टू यूज़ होता है. नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज. अब इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या होती है, इससे पहले ये जो एडवांटेज है इसको याद रखने के लिए इसकी मेमोरी टेक्निक है कैट एडवांटेज. कैट सी मतलब सरप्राइज टेस्ट कैपेबिलिटी. ए मतलब हम जो ए मतलब आर्टिकल क्या करता है, डिटेल्ड ऑडिटिंग नहीं करता, तो ये हो गया डिटेल्ड ऑडिटिंग. टी मतलब ट्रेनिंग फॉर न्यू यूज़र. ऑब्जेक्टिव मतलब इन्फॉर्मेशन टू सिस्टम स्टाफ ऑन मीटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट आता है ड्रॉबैक ऑफ कैट टूल्स. ये ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक होना अच्छी बात नहीं है, तो सैड बात है कि इसका ड्रॉबैक्स है. तो सेट से इसकी जो मेमोरी टेक्निक है वो सेट से, एस से स्टेबल, फिर ए से ऑडिट ट्रेल, डी से डेवलपमेंट, एस से सपोर्ट एंड ई से एक्सपीरियंस. तो हम इसको डिस्कस करते हैं. ऑडिटर शुड बी एबल टू ऑब्टेन द रिसोर्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंटिन्यूअस ऑडिट टेक्निक. अब जो ये कंटिन्यूअस ऑडिट टूल्स है ये ऑडिटर अपने पैसों से नहीं लगाता, उसको जो मैनेजमेंट है उसको बोलना पड़ता है कि उसको जो डेवलप करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं, ऑपरेट करने हैं और मेंटेनेंस करने हैं ऐसे ऑडिट टूल्स की. तो ये जो रिसोर्सेज है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अवेलेबल कराती है. कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ये रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कराती, तो इसकी डिसएडवांटेज होगी कि वो हो सकता है कभी कभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको प्रोवाइड ना कराएं. कंटिन्यूअस ऑडिट टेक्निक आर मोर लाइकली टू बी यूज
इफ़ द ऑडिटर आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट वर्क एसोसिएट विद द न्यू एप्लीकेशन सिस्टम. जैसे कि हमने देखा कि जो ये आजकल जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो इनबिल्ट होते हैं सिस्टम के अंदर. अगर ऑडिटर हैं वो किसी भी जब डेवलपमेंट हो रहा है उस सिस्टम का तब उसमें शामिल होना चाहिए. अगर वो शामिल होगा तभी वो बता पाएगा कि हमें ये टूल्स चाहिए, फिर ही उसके अंदर इनबिल्ट हो पाएंगे. अगर वो डेवलपमेंट में शामिल नहीं है तो वो टूल्स भी उसमें शामिल नहीं होंगे. अगला है ऑडिटर नीड्स टू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द कंप्यूटर सिस्टम टू एबल टू अंडरस्टैंड द कंटिन्यूअस ऑडिट टेक्निक इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ज़्यादा नॉलेज तो उसको होना जरूरी नहीं है लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए उसको कंप्यूटर एक्सेस करने का, तभी वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इन टूल्स का यूज़ कर पाएगा. कंटिन्यूअस ऑडिटिंग टेक्निक आर मोर लाइकली टू बी यूज्ड वेयर द ऑडिट ट्रेल इज लेस विजिबल एंड कॉस्ट ऑफ एरर एंड इरेगुलरिटी इज हाई. हमने देखा था कि जो कंटिन्यूअस ऑडिट टूल का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ऑडिट ट्रेल आजकल नहीं मिल पाती है. तो जहाँ पर ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है वहाँ पर ये यूज़फुल नहीं होते. जहाँ पर रेडीली अवेलेबल हमें ऑडिट ट्रेल मिल जाती है, जहाँ पर एरर इररेगुलरिटी की पॉसिबिलिटी हाई होती है और जो ऑडिट ट्रेल नहीं मिलती वहीं पर यूज़ होती है. मतलब उसका स्कोप क्या हुआ, कम हो गया. तो स्कोप कम होना इसका एक डिसएडवांटेज बन गया. कंटिन्यूअस ऑडिट टेक्निक आर लाइकली टू बी इफेक्टिव अनलेस दे आर इम्प्लीमेंटेड इन अ सिस्टम रिलेटिवली स्टेबल. स्टेबल सिस्टम में ये फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि अगर हमारा स्टेबल सिस्टम में फ़ायदेमंद होता है लेकिन अगर स्टेबल नहीं है, मतलब बार बार चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने टूल्स भी चेंज करने पड़ेंगे. इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, साथ ही साथ ऑडिटर को भी ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि बार बार चेंजेस आ रहे हैं तो उसको एफर्ट्स भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे. तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी हो गया. नेक्स्ट आता है ऑडिट हुक. ऑडिट हुक का मतलब क्या होता है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को पहचानना. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है उसमें अगर कोई पॉलिसी होल्डर सिस्टम है, उसको एक जैसे स्टाफ का कोई मेंबर है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. तो मान लो कि उसकी मैच्योरिटी हुई, तो मैच्योरिटी पे अमाउंट तो पॉलिसी होल्डर को मिलनी चाहिए थी लेकिन उसने उसकी जगह पर अपना नाम डाल दिया और सारी अमाउंट उसने खुद ने विड्रॉ कर ली. तो इस तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं. तो इन सब ऐसे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स पर नज़र रखने के लिए जो ये ऑडिट हुक्स है वो सिस्टम के अंदर इनबिल्ट किए जाते हैं. They devised a system to audit hook to tag the records with the name and address change. For example, the internal auditors of an insurance company determined that their policyholder system was vulnerable to fraud every time policyholder changed his or her name and address. उसका name और address change करके वो अपना डाल देता था. तो ये जो information system में inbuilt कर देंगे तो ये tag करेगा records को जब जब उसने name और address change किया, auditor को report कर देगा. तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन का एक टूल हो गया. अब ये रियल टाइम जो क्या करता है, डिस्प्ले करता है नोटिफिकेशन को, मैसेज कर देता है ऑडिटर को सीधा होते ही ऐसा कुछ इरेगुलरिटीज. तो इस तरीके से जो ऑडिट हुक होता है वो एक कस्टमाइज है और जो ये क्या करता है कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स है उनको रिपोर्ट करता है. तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जो ऑडिट हुक हुआ, CIS हुआ, ITF हुआ, स्नैपशॉट, स्काफ, इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछ लेते हैं. तो फ्रेंड्स हमारा ये रिवीजन लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिख के बताना आपको कैसा लगा. अच्छा लगा तो भी बताना, अगर कुछ सजेशंस हो तो भी मुझे बताना. थैंक यू.